हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइसर कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो अब मान लीजिए कि इस डेटा के लिए हमें स्लाइसर इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हमें पूरे डेटा को जो है सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद क्रिएट टेबल के लिए हम कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, क्रिएट टेबल का ये छोटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया। तो यहां पर एक नया टैब आपको दिखाई पड़ेगा, टेबल डिजाइन का। अब यहां पर ये देखिए, ये है इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर देखिए, इंसर्ट स्लाइसर का ये विंडो ओपन हो गया। अब यहां पर आपको वो मतलब कॉलम सेलेक्ट करना है जहां पर आप स्लाइसर यूज करना चाहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी कॉलम यहां पर दिए हुए हैं उनका नाम यहां पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे WVS मेंबर, टास्क टाइटल, जो भी यहां पर हमने कॉलम बनाए हुए हैं सबका नाम यहां पर शो कर रहा है। तो हम स्लाइसर यूज कर रहे हैं टास्क टाइटल के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, टास्क टाइटल पे क्लिक कर दिया। ये हमने क्लिक कर दिया, मतलब चेक मार्क लगा दिया। उसके बाद यहां से ओके पे क्लिक कर दीजिए, बस इतना ही करना है। और ये देखिए, टास्क टाइटल का एक छोटा सा विंडो ओपन हो गया। अब मैं मान लीजिए कि प्रोजेक्ट को क्लिक करूं यहां पर, ये देखिए प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूं तो ये देखिए प्रोजेक्ट की डिटेल सामने आ गई। मान लीजिए रिसर्च पे क्लिक करता हूँ तो रिसर्च ही आ गई। स्टेक होल्डर्स पे करता हूँ तो स्टेक होल्डर्स की डिटेल आ गई।